के श्रावेरी में अवैध निर्माण को बढ़ावा देने के जिम्मेदार अधिकारियों पर गाज गिरने की उम्मीद बढ़ गई है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 2011 से 2018 के बीच और 2009 से 2018 के बीच, इसे आप मानिए, इस कार्यकाल के दौरान जो अधिकारी तैनात रहे उसमें से 10 अधिकारियों और कर्मचारियों की लिस्ट शासन को भेज दी है। ये वो अधिकारी हैं जिन पर अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, यानी कि अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अब उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मामले में दोषी अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीते दिनों सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और पुलिस महकमे से शाहबेरी मामले के दोषी अफसरों की लिस्ट मांगी थी। इसके बाद अफसर हरकत में आए। दो दिन पहले पुलिस महकमे की ओर से 22 पुलिसकर्मियों की लिस्ट शासन को भेजी जा चुकी है, यानी कि पहले 22 पुलिसकर्मियों की लिस्ट शासन को भेजी गई, अब प्राधिकरण के 10 अधिकारियों की लिस्ट भेज दी गई है शासन को। और ये वो अधिकारी हैं जो 2008-09 से यहां पर जब अवैध निर्माण शुरू हुए, कब्जा करना बिल्डर्स ने शुरू किया और मकान बनाकर बेचना शुरू किया, उससे लेकर 2018 के बीच जो अधिकारी तैनात रहे, जिनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो इस काम को रोके, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये है कि उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया या जानबूझकर अपनी आंखें मूंद ली। और अगर जानबूझकर मूंदी तो उसके पीछे क्या क्या होता है, ये आप और हम समझते हैं। अब ऐसे 10 अधिकारियों की लिस्ट भेज दी गई है शासन को। शासन उस पर निर्णय लेगा कि उन अधिकारियों के ऊपर क्या कार्रवाई की जानी है। प्लॉट क्या है इसका, ये हम आपको बता रहे हैं कि शाहबेरी में अब मुश्किल में आ गए हैं करीब करीब ऐसे 25,000 लोग जिनके आशियाने पर संकट मंडरा रहा है। और चूंकि वहां पर अवैध निर्माण हुआ, मानकों के विपरीत निर्माण हुआ, इसलिए शाहबेरी के निर्माण को तोड़े जाने की बात भी सरकार की तरफ से कही गई है। राहुल मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त कुछ और अपडेट, कुछ और जानकारी के साथ हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं, उनकी तरफ हम रुख करते हैं। राहुल, ये माना जाए कि अधिकारियों पर अब गाज गिरेगी क्योंकि पहले लिस्ट मांगी गई और अब अथॉरिटी ने 10 अफसरों की लिस्ट दे दी है। देखिए राम, जो सबसे बड़ी चीज इसमें यह है कि ये पूरा का पूरा यदि मुद्दा हम लोग देखें तो जब सीएम ने बैठक बुलाई थी, जब अथॉरिटी के लोगों को वहां पे बुलाया था, तो उसमें साफ सीधे तौर पे सीएम की तरफ से एक निर्देश दिया गया था कि जो बिल्डर्स हैं, जो अथॉरिटी के लोग हैं जो इसमें संलिप्त थे, क्योंकि 2007 से लेकर के 2012 तक का पूरा चेक करने के लिए चीफ मिनिस्टर ने इस शाहबेरी में जो निर्माण हुआ था उसको चेक करने के लिए कहा है, तो साफ सीधे तौर पे जो जो इसमें संलिप्त था उसकी एक लिस्ट मांगी थी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि जिस तरीके का, क्योंकि सीएम के बोलने के बाद भी वहां पे कार्य होता रहा, वहां पे अभी भी कार्य हो रहा है, और उसके अलावा साथ में यदि कहा जाए तो जो रजिस्ट्री भी वहां पे होती रही वो कहीं सीधे तौर पे सीएम को नागवार गुजरा, फिर सीएम ने उसको लेकर के और एक लताड़ लगाई, यहाँ पे प्रशासन को भी लताड़ लगाई और साथ में पुलिस प्रशासन को भी लताड़ लगाई कि आखिर में इसमें क्या कारण है कि जब उन्होंने कहा था कि अधिकारियों और इन सभी के ऊपर जो है यहाँ पे कार्रवाई की जाए, उनकी जांच किया जाए, तो और जो बिल्डर्स हैं उनके ऊपर एनएसए लगाया जाए, तो क्यों नहीं कोई कार्रवाई की गई। तो उसके बाद अब कहीं जाकर के अथॉरिटी जागा है, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से लिस्ट जारी की गई है उन अधिकारियों का जो उस समय संलिप्त थे और जिन अधिकारियों के देखरेख में ये पूरा का पूरा कहा जाए तो शाहबेरी का जो निर्माण हुआ, शाहबेरी के लोगों को निर्माण किया गया, जो बसाया गया वहां पे, उन सभी का लिस्ट अभी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने दी है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, देखिए कई यहाँ पे सीएम ने साफ सीधे तौर पे कहा था, तो आखिर में बिल्डर्स जो, क्योंकि 20 बिल्डर्स इसमें संलिप्त हैं, जिसमें क्षमा चाहता हूँ 30 बिल्डर्स का नाम इसमें आ रहा है, और उन आखिर में 30 बिल्डर्स को अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई है। लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ कि जो हमारे सोर्सेस से जानकारी है कि एक दिन या दो दिन के अंदर में, क्योंकि इन लोगों ने जब सीएम की लताड़ लगने के बाद अब पूरी तैयारी कर ली है जिला प्रशासन ने, और अब एनएसए लगाने की पूरी की तरीके से कोशिश की जाएगी और इन लोगों के ऊपर एनएसए जल्द से जल्द लगाया जाएगा, उनकी एक लिस्ट तैयार कर ली गई है, साथ साथ में जो उनका डॉक्यूमेंट, यानी कि बिल्डर्स पर भी कार्रवाई की तैयारी होगी, ये राहुल हमें तफसील से बता रहे हैं।
अफसरों के ऊपर कार्रवाई होगी। इसके लिए शासन को 10 नाम भेज दिए गए हैं, कुछ और नाम भी भेजे जा सकते हैं। इससे पहले पुलिस महकमे की तरफ से भी 22 पुलिसकर्मियों के नाम की लिस्ट शासन को भेजी जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल मिश्रा आपका इस अपडेट के लिए, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।